श्री गुरुपाद पद्मनाभी जय गौर हरे कृष्णा। अभी राधा अभिषेक होगी, अभी राधा रानी कैसे जन्म लेती है रावण में उसकी कथा सुन लो, फिर राधा रानी की अभिषेक उसके बाद फिर दोबारा फिर कथा सुन, ठीक है। श्रीमती राधा रानी श्री वृषभानंद हरे कृष्ण। हाँ सुन लो, राधा रानी के जन्म लेता कहते राधा रानी की जो जन्म कथा है अलग अलग पुराण में अलग अलग रूप से सुनने को मिलती है। किसी कल्प में तो राधा रानी बरसाना में वहां पर एक भानु हो रहे, जब हम बरसाना परिक्रमा करने जाते हैं हम लोग गए होंगे देखना, वहां पर एक सुंदर कुंडल है। कभी वृषभानंद महाराज जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गए देखा सततल कमल उसको ऊपर में राधा रानी तिलकाल मारते हुए वहीं पर राधा रानी को दर्शन किए और वहीं से श्री वृषभानंद महाराज राधा रानी को ला करके श्री कृतिका कुमार देते हैं। कभी कभी राधा रानी कभी उनका जो नित्य जो माँ कृतिका कुमार की गर्भस्थ जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्ची जन्म लेती है, कभी कभी इसी रूप में भी जन्म लेती है। कभी कभी एक अंडा से राधा रानी जन्म लेते हैं, कभी कभी राधा रानी हठात आकाश से हवा से प्रकट हो जाती है। लेकिन इसी कल्प में इसी द्वापर युग में राधा रानी कैसे जन्म ली हमारे श्री रूप गोस्वामी ये ललिता में बड़ी सुंदर वर्णना करते हैं। कहते जो हिमालय का बेटी बन करके आती है श्री पार्वती, आप लोग को पता होगा पार्वती मतलब क्या, पर्वती कन्या की पार्वती हिमालय का बेटी है उनकी पति, इसलिए ये हिमालय के बड़ा अहंकार है। क्या अहंकार है, जैसे तुम्हारे परिवार में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो जाए नहीं तो कोई